जनपद संबल के चंदोसी में श्री रघुनाथ आश्रम ब्रह्मचार्य ट्रस्ट के तत्वावधान में रामलीला का हर वर्ष की तरह आयोजन किया जा रहा है। ये मंच 70 साल पुराना मंच है। पूर्व में हिंदू सनातन धर्म रामलीला नहीं हो सकी थी, लेकिन सबके जन सहयोग से रामलीला संभव हो सकी है। पिछले 2 वर्षों से रामलीला COVID-19 की वजह से नहीं हो सकी थी। सीताश्रम पर चल रही रामलीला में नारद मोह का मंचन हुआ और भक्तों का मन मोह लिया। नवरात्रि के पहले दिन से चल रही रामलीला सीता रोड निकट पुलिस चौकी पर भारी संख्या में भक्तों द्वारा प्रभु राम की लीला का आनंद लिया जा रहा है। काफी वर्षों बाद सीता रोड पर फिर से रामलीला का मंचन में भक्तों की संख्या देखी गई। दूर दूर से प्रभु राम के भक्त रोड पर हो रही लीला में आकर प्रभु की जीवन लीला का आनंद ले रहे हैं। लीला में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है और भाव विभोर होकर प्रभु राम की लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। सभी के सहयोग से इस वर्ष रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। श्री रघुनाथ आश्रम ट्रस्ट व सहयोगी मंत्री राजकुमार शर्मा, अध्यक्ष विष्णु स्वरूप शर्मा, मेन सहयोगी डॉक्टर वीरेश, मनीष शर्मा, बबलू पाठक, प्रमोद, मंत्री दुर्गेश शर्मा, सुशील शर्मा, पुष्पेंद्र ठाकुर, महावीर कश्यप, राजू, रज्जू आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर वीरेश, डॉक्टर वीरेश जी, यहाँ पर जो बहुत सारे वर्षों से रामलीला होती आई है जी, हनुमान गली में, इसके बारे में कुछ यहाँ की विशेषताएं बताइए। नहीं, विशेषताएं तो यहाँ की वैसे ही विशेषताएं हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बड़ी भीड़ और उत्साह के साथ रामलीला देखने भी आते हैं, दुर्गा मंदिर में दर्शन करते हैं। उसके साथ शंकर जी का भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ मूछों वाले शंकर जी हैं, बड़ा फेमस है और काफ़ी लोग इसके लिए आते हैं। यहाँ रामलीला के लिए भी लोग पहले से आके बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट गिन लेते हैं। राइट टाइम हम लोग 7:30 बजे रामलीला शुरू कर देते हैं और 11:30 बजे उसका समापन हो जाता है। बताया गया है कि आप बहुत सहयोग करते हैं रामलीला के लिए, उसमें कुछ उसके लिए कुछ कहेंगे आप? नहीं, सहयोग तो हम ही क्या करते हैं, सब ये तो सब सम्मति से एक पंचायती काम है। आप भी सहयोग करते हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ आदमी का सहयोग किसी को ज़्यादा लगता है, जो उनकी मोहब्बत की बात है, लेकिन हमारा कोई सहयोग नहीं है, सभी का सहयोग है। नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु स्वरूप शर्मा, अध्यक्ष रघुनाथ आश्रम ट्रस्ट। आज यहाँ पर रामलीला चल रही है, हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें मैं संरक्षक हूँ और कलाकारों द्वारा, लोकल कलाकारों के द्वारा यहाँ का कार्यक्रम किया जा रहा है और डॉक्टर वीरेश जी का इसमें विशेष सहयोग है और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं, उनके सहयोग से ही सब कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के बारे में कुछ थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी, कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताइए, क्या खासियत है, क्या जैसे सबसे पहले हुआ था राम का जन्म, उससे पहले सीता का दिखाया था और उसके बाद खरदूषण का वध हुआ, नारद वो हुआ, आज वो रामचंद्र का वनगमन हुआ राजा दशरथ। मतलब ये प्रोग्राम कब तक रहेगा? ये 15 तारीख तक चलेगा साहब। ये कितने सालों से, कितने वर्षों से? ये बहुत पहले से आता था, पर फ्रॉड काल के कारण जो है उसके कारण बीच में रोक दिया गया 2 साल। लगभग कितने लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं? मैं समझता हूँ करीब 2,000-2,500 कम से कम आता है।